मॉर्निंग गाइस फ्रॉम माय विलेज हीरबुतेर। आज का सीन कुछ ऐसा, आज हम जाने वाले हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट शिव टेंपल की है तुंगनाथ महादेव। और पीछे आप देखो कितना अच्छा व्यू है। रात को कल यहाँ पे बारिश हो रही थी, सुबह भी बारिश हुई है, तो ऐसे लग रहा था कि हम देखते हैं कब जाते हैं, जब बारिश हो गई तब हम तैयार होंगे। तो अभी बारिश रुक चुकी है, अब बस अपने को अभी रेडी होना है और निकलना है तुंगनाथ महादेव के लिए। 60 किलोमीटर है अराउंड, पास है 60 किलोमीटर है, तो हमें इस राइड में लगने वाले करीब से 2 घंटे। आज राइड में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सागर भाई जी और आशु भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। वो निकल चुके हैं जियालगढ़ से और रास्ते में अभी पहुंचने वाले होंगे, मतलब उन्हें 1.5 घंटा लगेगा जियालगढ़ से यहाँ। बाकी रास्ते में बीच में थोड़े पैच खराब है क्योंकि रास्ता बन रहा है, चार धाम परियोजना के काम चल रहा है इस चक्कर में। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, बाकी हम रेडी होते हैं और निकलते हैं आज अपने तुंगनाथ महादेव के लिए। हम तैयार हो चुके हैं पर अभी यहाँ पर थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हो मौसम इतना भयंकर हो गया एकदम, और बारिश हल्की हल्की हो रही है, तभी हमें रुकना पड़ेगा तक कि बारिश थमने जाती और उसके बाद ही निकलना पड़ेगा। बारिश रुक चुकी है, मजा आने वाला है, धूप निकल गई है, आ चुका है पूरा का पूरा। कहाँ से जाने 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 बस एक हिमालय एनफील्ड और एनफील्ड बस चलते हैं यार। ये देखिए पन्नी उतारते हुए ये हम सबसे आगे। जय श्री राम, जय माता दी, जय भोलेनाथ। You call my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it, but I like it. Why, baby, do you look so pretty in your smile, my, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby, do you look so pretty in your smile, केदार पर आता है। पहले नंबर पर आता है आपका केदारनाथ, दूसरे पे आपका आता है मधमहेश्वर, तीसरे पे आपका आता है तुंगनाथ, और चौथे पे आता है आपका रुद्रनाथ, और लास्ट में आता है सबसे कल्पेश्वर। तो अभी हमें ऊखीमठ पहुंचना है, ऊखीमठ से सीधा निकलेंगे फिर हम चौपता आगे, क्योंकि ऊखीमठ से रास्ता आता है आगे चौपता का। तो हम ऊखीमठ पहुँच गए हैं, ये सारा जो आप देख रहे हैं पूरा ऊखीमठ है। तो मौसम एकदम बढ़िया रखा है और सामने आप व्यू देख रहे हो कितना प्यारा व्यू है। ऊपर ठंड हो सकते हैं मंदिर में, तो इसलिए सब जैकेट पहन के जा रहे हैं। पहली बार है हम तुंगनाथ जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सब। अभी रुके हम थोड़ा, हमने पहला हॉल्ट लिया मतलब चाय वगैरह पीने के लिए, तो अपने हिमालयन रुके हिमालयन ढाबा पे, और मेरे पीछे व्यू देखो काफी अच्छा है। तो अभी इस रोड पे है ना, ये रोड अपना ऊखीमठ वाला है, और जो उसके सामने पोजिट रोड है जो आपने केदारनाथ वाली वीडियो में देखा होगा, वो रोड जाते हैं केदारनाथ और हिमालयन। सागर भाई चला रहे हैं, सागर भाई हिमालयन वो बुलेट गौरव भाई चला रहा है, और वो बुलेट आंसू, और उधर आज राइड कर रहा हूँ मैं पाछे, दो देख लिया होगा पहले। ये चाय के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, कौन है आप जो चाय के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? जानना चाहता है भारत, पूछता है भारत, चाय के साथ फोटो खिंचवाते हुए हमारे पटवारी साहब। हमारे पटवारी साहब, पटवारी साहब आज पूरे लग रहे हैं गरीबों के विराट कोहली। तो निकल रहे हम यहाँ से, चाय हो गई अपनी, और सामने देखो व्यू, और जो नीचे वो दिख रहा है पानी पानी सा, वो है कुंड, मतलब छोटा सा डैम है दराज टाइप। Thank you.
अभी अपना हो गया है दूसरा हॉल्ट, तो यहाँ पे करने वाले अपन लोग लंच, और ये जगह है द बंकर हाउस। काफी अच्छी जगह लग रही है बाहर से, तो अंदर चल के देखते हैं कैसी है। और तो ये रहा अभी अपना ठिकाना, मार्शल हो गया जो पहले अपनी मार्शल गाड़ी चलती थी पहाड़ में, मार्शल याद है बिना गेट वाली। ये बच्चे उठाने वाले तैयार होते हैं, बच्चों को उठाएंगे और बच्चे उठाने वाले के साथ ही, बच्चे उठाने वाले के साथ ही देखो इस बच्चे को उठा के लगा एंजल। तो निकल चुके हैं हम, जोता है अभी 13 किलोमीटर और। पहुंच गए हम चौपा।